तो हेलो टीचर्स फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ए के सोनवानी, आपका अपना टीचर फ्रेंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इस लॉकडाउन के अवधि में ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप और मैं अभी तक एक भयंकर गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से सिस्को और cgschool.in में क्लास लेने के बावजूद डाटा तो आपका शो करेगा। मान लीजिए 10 बच्चे आपके ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं, लेकिन जब आप डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें बच्चों की संख्या तो सो ही नहीं कर रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसे तो होने के लिए बहुत छोटा सा वजह है, इसी वजह के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिस्को वेबएक्स से अपना लिंक जो है शेड्यूल बना के लिंक जो है यहाँ cgschool.in में पेस्ट करते हैं, तो आपके पास इस प्रकार से जो है क्लास बन जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपके पास इस तरह से क्लास जो है शो हो जाएगा। तो गलती हम ये करते हैं कि हम जो सिस्को वेबएक्स वाला जो यूआरएल हमें मिलता है शेड्यूल का, उसको हम जो है शेयर करते हैं बच्चों को। लेकिन हमको करना क्या है, हमको इस cgschool.in में जो हमने पेस्ट किया हुआ है अभी यूआरएल, हमें इसे शेयर करना है, ना कि सिस्को वेबएक्स द्वारा जो शेड्यूल बना है उसका लिंक। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ऑनलाइन क्लास बनाए के नीचे जो मैंने क्लास बना रखा है, उसमें एक क्लास में एक दिख रहा होगा आपको, ये देखिए व्हाट्सएप वाला सिंबल। जी हाँ दोस्तों, ये WhatsApp वाला सिंबल आप देख पा रहे होंगे। इस WhatsApp वाले सिंबल से ही आप जो है अपने ऑनलाइन क्लास का जो लिंक है आप शेयर करेंगे, और इसी के ज़रिए जो है बच्चे और दूसरे टीचर्स जो हैं आपसे जुड़ेंगे, आपके क्लास से जुड़ेंगे, तभी उनका जो है नंबर या जो भी बच्चे हैं पंजीकृत बच्चे, रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं आपके क्लास के, वो जो है सर्वर में दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। तो इसको आप कैसे शेयर करेंगे, जैसे आप शेयर करते हैं उसका सिस्को वेबएक्स का, वैसे ही इसको यहाँ आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में पहुँचने के बाद मान लीजिए मैं इस प्रकार से उसको शेयर करता हूँ, तो मेरे पास इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा और आपको एक कर्सर जो है शो करते दिखाई देगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप हो सकता है तो अपना नाम लिख लीजिए कि आपका क्लास है आपके द्वारा बनाया हुआ, और फिर लिख लीजिए कक्षा, विषय और समय, और उस कक्षा का लेसन या पार्ट, कौन से कक्षा का पार्ट है, लेसन है। तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें देखिए ऊपर में दिया गया है cgschool.in ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ये सीधा सी जी स्कूल वेबसाइट से जारी किया हुआ एक प्रकार का यूआरएल है, जिसको आपको शेयर करना है, ना कि सिस्को वेबएक्स द्वारा जो जारी किया गया यूआरएल जो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसको नहीं करना है। तो दोस्तों, आप इस बात को जो है ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है, आपको यही प्रोसेस अब हर ऑनलाइन क्लास के लिए करना है, दोहराना है, ताकि आपके जो भी टीचर या बच्चे आपसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे तो इस साइट में रिकॉर्ड जो है उनका पूरा दिखाई देगा। सिस्को वेबएक्स में ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। जैसे ही आप शेयर कर दिए, जैसे ही आप ये जो है लिंक जो है आपने शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद मान लीजिए कोई जो है आपके लिंक से आपके ऑनलाइन क्लास में शामिल होना चाहता है, तो वो कैसे होगा। तो मान लीजिए हमें एक प्रकार से ये लिंक सामने आपको दिखाई देता है, इस लिंक में मैं लाइव उस क्लास में जुड़ के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं लाइव क्लास में ज्वाइन होकर मैं आप लोगों को प्रोसेस करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी तरह से आप भी जो हैं किसी के क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं या किसी को ज्वाइन अपने क्लास में करा सकते हैं। जैसे ही एक हमारे सर ने जैसे ये लिंक जो है जनरेट करके भेजा हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा ज्वाइन होने के लिए, और
ऐसे उसके बाद हमारे पास ऐसे ऑप्शन आएगा, तो आप सीधा चले जाइए क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करते ही आपको वो सीधा ले जाएगा cgschool.in में। इसी क्रोम ब्राउज़र में जाने से आपका फ़ायदा जल्दी है, उसमें जल्दी आप ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए ऑनलाइन क्लास यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें हमको शामिल होना है। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में शामिल होने वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ कीजिए, इसको आप अच्छे से जानते हैं। ये देखिए मैं पहले से रखा हुआ हूँ और यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पंच लॉगिन वाले सेक्शन में पंच कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन वाले सेक्शन पंच कर लूँगा तो इस प्रकार से जो क्लास जनरेट हुआ है यहाँ पे चौधरी सर के द्वारा, इसमें ऑनलाइन क्लास ये वाले ऑप्शन में शामिल होए वाले ऑप्शन में मैं रेक्टेंगल में क्लिक कर देता हूँ, जिससे फिर से आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप कौन से ब्राउज़र से या कौन से ऐप के ज़रिए उस क्लास में शामिल होना चाहते हैं। तब दोस्तों यहीं पे आपको क्रोम में नहीं जाके वेबएक्स मीट ऐप में जाना है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्रोम में ना जाके वेबएक्स मीट ऐप में जाइए, ताकि वेबएक्स मीट ऐप में जो भी आपने सीखा हुआ है यहाँ से आप उसमें आसानी से समझ सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ऑनलाइन मीटिंग जो है, ऑनलाइन जो क्लासेस है जो है यहाँ से लिया है, तो इस प्रकार से सर्वर जो है कनेक्ट होता है और इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। ये देखिए धीरे से आ रहा है गणित का 5वीं। तो ये जो प्रोसेस है सिस्को वेबएक्स में मीटिंग लेने वाला जो होस्ट है उसके ऊपर है कि वो समय में आते हैं। और यहाँ देखिए ये हम कनेक्ट हो चुके हैं इस लाइव क्लास में और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आप किसी की भी क्लास में जो है जुड़ सकते हैं